बीमार हैं वापस आएंगी वापस, तो दोनों लोग नेता जो है मिलने जाएंगे और मिलकर के हम लोगों की तो यही कोशिश है ना, सारे विपक्ष के लोगों को गोलबंद किया जाए जिनको भरोसा नहीं है। तो कुछ देर इंतज़ार का मज़ा लीजिए, हो ही जाएगा। अच्छा होना तय है, अरे रुको, एक एफिडेविट अगर उनको पढ़ाई जो अगर ढंग से आता है तो एक आँख से नहीं दोनों आँखों से देखना चाहिए इनके कितने मंत्री क्या हुआ, भारत सरकार में कौन है, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, मुलाकात करने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने वाले हैं, तब उस पर उन्होंने कहा कि हाँ वो जाने वाले हैं, साथ साथ हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी जाएंगे और जो विपक्ष को एकजुट करने की जो कवायद 2024 की चुनाव को लेके उसको लेके वो जाएंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरीके से तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो एक साथ आएं ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारा टक्कर दिया जाए। वहीं उन्होंने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पे भी करारा पलटवार किया है और कहा है कि जो लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि जंगल राज की वापसी आ गई है, तो वो लोग खुद बताएं कि उनके सरकार में कितने मंत्री दागी मंत्री हैं और जो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो खुद दागी मुख्यमंत्री हैं। तो एक बड़ा हमला तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया है और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुन लेते हैं। सोनिया जी से मुलाकात, लालू जी और उनके साथ जाकर करेंगे? हाँ अभी वापस आएंगे, मैडम सोनिया जी आएंगी वापस जाकर के मुलाकात हो, पीछे करेंगे प्रेम, दोनों लोग साथ ही जाएंगे। अच्छा 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा आप लोगों ने किया है, फिर भी बिहार में कुछ लोगों को भरोसा नहीं है कि आप लोग दे पाएंगे, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर वो दे देंगे तो हम भी उनके साथ आ जाएंगे। सामने ला, जिनको भरोसा नहीं है तो कुछ देर इंतज़ार का मज़ा लीजिए, हो ही जाएगा। अच्छा होना तय है, अरे रुको एक मिनट, एक बात समझिए, ये होना तय है, कौन क्या कहता है मोबाइल पर ज़्यादा कमेंट नहीं है, पीछे करो नहीं, आप सरकार में और हम लोगों का ये कमिटमेंट है और ये बिल्कुल हो करके रहेगा। आप और नीतीश जी, आप और नीतीश जी जो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, क्या लगता है सफलता मिलेगी? क्या क्या कांग्रेस और बीजेपी को अलग करके आप लोग सोच रहे हैं कांग्रेस रहेगी साथ में, कांग्रेस और बीजेपी, ये जो आप लोग अलायंस की बात कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस, आप एक बात समझिए, सभी विपक्ष के लोगों को एकजुट करना है और हम तो पहले भी कहे हैं कि अब सोनिया मैडम आएंगी, हम तो गए थे मुलाकात करने, आपको भी पता है जब हम ओथ लिए थे उसके बाद हम जाके सोनिया जी से भी मुलाकात किए थे, अब जब बीमार हैं वापस आएंगी वापस, तो दोनों लोग नेता जो है मिलने जाएंगे और मिलकर के हम लोगों की तो यही कोशिश है ना, सारे विपक्ष के लोगों को गोलबंद किया जाए। अच्छा ये आज सरकार बनी है, जो लोग बहुत दिन से खामोश थे अचानक एग्रेसिव हो गए हैं, लगातार सरकार पे हमले, जंगल राज, कानून व्यवस्था, ये मंत्री गड़बड़ है, टारगेट पे आप ही लोग क्यों हैं? कौन लोग आरजेडी के नेता टारगेट पे, आरजेडी कोटे के जो मंत्री हैं वो टारगेट मंत्री हैं, सब दबंग हैं, बाहुबली हैं, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा, ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी हमको करना नहीं है, एफिडेविट अगर उनको पढ़ाई जो अगर ढंग से आता है तो एक आँख से नहीं दोनों आँखों से देखना चाहिए इनके कितने मंत्री क्या हुआ, भारत सरकार में कौन है, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, इसमें भी थोड़ा सफाई देना ना चाहिए। जो लोग ईडी अलगा अलगा के भाषण दे रहे हैं उनके भाइयों ने क्या क्या किया है विपक्ष के, जैसे जी आज आप जनता दरबार में जाइए, जैसे जी आज जनता दरबार में जाइएगा, आज आज हेल्थ का है, आज आपके विभाग का पहला जनता दरबार है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।